है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो आज सीखेंगे हम झीलों के बारे में। सबसे पहले हम कुमाऊँ की झीलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले नैनीताल ज़िले में जितनी भी झीलें हैं, इम्पोर्टेंट झील एग्ज़ाम पर्पस से उसे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम भीमताल। भीमताल जिसकी लंबाई है 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर है, ऊंचाई 26 मीटर है। इस हिसाब से कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे बड़ी झील हो जाएगी हमारी भीमताल। यह नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर की दूरी व नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी में पूर्व में स्थित है। कभी कभी इसका साइज पूछते हैं तो इसका जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार। इसके अगर कलर की बात करें तो इसका कलर है गहरा नीला। और ये अपने कमल कमल वो कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये है आपका भीमताल। देख सकते हैं भीमताल का दृश्य आपके सामने, ये है भीमताल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में और डिटेल जानकारी। तो यह कमल वो कमल कड़ी के लिए तो प्रसिद्ध है ही। तो इसके बीच में क्या है, एक टापू स्थित है जो ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित है। तो आप देख सकते हैं ये है वो ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित टापू स्थित है। इस प्रकार से भीमताल की आकृति आपको देखने को मिल रही है। और इसी के करीब आप देख सकते हैं बाज बहादुर द्वारा चंद द्वारा भीमेश्वर मंदिर, यहाँ पर भीमेश्वर महादेव मंदिर निर्मित किया गया है। और 1882 में यहाँ विक्टोरिया डैम फ्रांसिस हेनरी द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर आप ये डैम देख सकते हैं इस किनारे, और ये टापू स्थित है। छकाता गढ़ी बोला गया है गोरखाओं द्वारा इसे, छकाता गढ़ी गोरखाओं द्वारा इसे कहा गया। तो आपने भीमताल के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट झील, देखते हैं हम नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, तो नौकुचिया ताल की जो लंबाई है वो हो जाएगी, नौकुचिया ताल की लंबाई 960 मीटर, चौड़ाई इसकी है 680 मीटर, ऊंचाई 40 मीटर, मतलब इसकी गहराई बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में पढ़ते हैं। तो ये पुष्कर तीर्थ व हर की पौड़ी की तरह महत्व वाली, काफ़ी इस झील का काफ़ी महत्व है नौकुचिया ताल का। तो आप देख सकते हैं ये है नौकुचिया ताल आपके सामने, इस प्रकार से है। नौ कोने वाली झील इसे कहते हैं। यह है, इसे सनत कुमार सरोवर भी कहा जाता है। ये नौ कोने वाली झील के रूप में प्रसिद्ध है नौकुचिया ताल। आगे बढ़ते हैं, अब बारी आती है नेक्स्ट झील, नैनी झील के बारे में देखते हैं। तो नैनी झील, नैनी झील जिसकी लंबाई 1430 मीटर है, चौड़ाई 665 मीटर, ऊंचाई या गहराई 16 मीटर। और इसकी आकृति जो है ये नाशपति के आकार की है। और स्कंद पुराण में से त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। जो नैनी झील की जो आपने आकृति देखी होगी वो नाशपति के आकार की है। तो ये है आपकी नैनीताल में स्थित नैनी झील, इसकी आकृति आपको नाशपति के आकार की दिख रही होगी। तो देखिए आप देख सकते हैं नैनी झील, शानदार दृश्य है नैनी झील का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, और ये अपने चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। देख सकते हैं आप, इसके चारों ओर 7 पहाड़ियाँ हैं। और पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती के नेत्र जो हैं वो गिरे थे। तो ये भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 7 ताल। यहाँ नैनीताल में 7 ताल हैं। ये 7 ताल एक समूह में है, जिसमें राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल, भरत ताल, शत्रुघ्न ताल और पन्ना या जिसे गरुड़ ताल भी कहते हैं। और 7वां है हमारा नल दमयंती ताल, और 7वां है नल दमयंती ताल। तो नल दमयंती के में जो है मछली नहीं पकड़ी जाती है, मछली पकड़ना मनाही है। और यह एक रहस्यमयी ताल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी आकृति अश्वखुर के समान है। तो आप ये देख सकते हैं, कंजर्वेशन एंड रिहेबिलेशन ऑफ इंडेंजर्ड गोल्डन महासीर इन 7 ताल झील में विलुप्त प्राय सुनहरी महासीर का संरक्षण पुनर्वास, यहाँ पे मछलियों का मारना अलाउड नहीं है। तो देख सकते हैं ये है नल दमयंती या 7 ताल का एक दृश्य देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं खुरपा ताल। खुरपा ताल
खुरपाताल की लंबाई 16 से 33 मीटर है। ये जानवर खुर के समान इसकी आकृति है। जानवर के जैसे खुर होते हैं उसके समान इसकी आकृति है। इसे लैंड्स एंड भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रंग है गहरा हरा और इसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसके यहाँ पर, यह है हमारा खुरपाताल। जानवर के खुर के समान इसका आकृति है और चारों ओर से खेत से घिरा हुआ है। देख सकते हैं आप खुरपाताल। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम सड़िया ताल। सड़िया ताल, तो अब सड़िया ताल जो है इस ये भूस्खलन का शिकार हो रहा है। तो ये है हमारा सड़िया ताल, ये भूस्खलन के रूप में इसका शिकार हो रहा है। ये डेंजर में एक सूखा ताल है जो नैनी झील का ही भाग था, पर अब ये इसका अवशेष मात्र बचा है। ये है हमारा सूखा ताल, बिल्कुल इसमें अब पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं आप। तो ये था, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अगले कुछ इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिसमें लुखमा, हरीज ताल और मलवा ताल भी है। तो यहाँ पर जो ये आपको ताल दिख रहा है ये है हरीज ताल। तो ये जितने भी ताल हमने पढ़े ये नैनीताल में स्थित है। अब अगले डिस्ट्रिक्ट के जो ताल है उसके बारे में हम बात अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।